श्री विनोद यादव जी, प्रदेश महामंत्री, ओबीसी मोर्चा और विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री संजय पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री प्रदेन्द्र जागड़ा जी और प्रदेश भर से आए हुए ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, क्षेत्र और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबने अपनी प्रदेश कार्य समिति का यह आयोजन किया है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर से आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब समाज के उस तबके से संबंधित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी आकांक्षा है और जिनके मन में समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा है। जब कोई समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था, जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया, तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। और यही कारण है वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छत्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया।
और फिर कौन नहीं जानता आप में से, ये समाज अगर अपने पौरुष और पराक्रम के लिए जाना जाता था तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति उतनी ही अटूट आस्था के लिए भी जाना जाता था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा चल रही है, याद करिए, यही कावड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। यह केवल एक कावड़ यात्रा नहीं है, यह केवल शिव भक्तों का एक मंगलगान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कावड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी, एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। आपके पर्व और त्योहार याद करिए, किसी एक पर्व और त्योहार को, आप नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति का स्थापना करते हैं, मूर्ति में क्या मूर्ति अपने आप बन जाती है, उसके लिए कारपेंटर भी चाहते होंगे, उसमें मिट्टी का काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें उसकी डिजाइनिंग बनाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें रंग भरने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसके लिए उस प्रकार के वस्त्रों की साज सज्जा के लोग भी चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति कर पाता है क्या? अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी वह करता था। पिछली सरकारों ने उसको भी रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया, समाजवादी पार्टी की चार चार बार प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर है, कौन है? क्या ये ओबीसी समाज से जुड़े हुए नहीं है? क्या इसमें कोई कुमार, कोई विश्वकर्मा, कोई लोहार, कोई स्वर्णकार, क्या ये नहीं है? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का समय 2015 और 16 का समय, जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसटीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं, क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन मौन हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज की, साफ ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती भी है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। उनहत्तर हजार शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000
भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे, वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई 31,500। 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी गाजीपुर जनपद में, और गाजीपुर जनपद के साथ के उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे उनमें एक रमेश पटेल थे, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे, क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? ऐसे ही तमाम अन्य लोग थे, कोई सम यादव भी थे, क्या ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो इसका मतलब उन्हें आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिरी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज जब ओबीसी मोर्चा के इस प्रदेश कार्य समिति के इस सम्मेलन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखें, समाज को इन बातों से अवगत कराएं। तथ्य प्रमाणित हैं, आपके सामने प्रमाणिक तथ्य होंगे, समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है यह भी समाज के सामने रखिए, और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली, यह भी बताया जाने की आवश्यकता है, उन्होंने कितने लोगों के रोजगार को छीना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों के रोजगार को उपलब्ध कराया है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था,
इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। आपके पर्व और त्योहार में व्यवधान डाल करके प्रदेश को दंगों के आंख में झोंकने का जो काम किया था, उसके बारे में भी अवगत कराइए। आपकी खेती बाड़ी के मार्ग में जो इन्होंने अवरुद्ध पैदा किए थे, इसके बारे में अवगत कराइए। और अब तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है, बल्कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ साथ उनके परिवार के जनों और बटाईदारों को भी 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर आच्छादित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ओबीसी समाज ले रहा है, लेकिन उन्हें अवगत कराएगा कौन, उन्हें बताएगा कौन, उन तक बताने की जिम्मेदारी आपकी है, उस समाज के बीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और यही नहीं, हमें यह भी करना चाहिए, आप समाजवादी पार्टी के समय ओबीसी के कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, और इस समय नरेंद्र कश्यप ही हमारे इस विभाग के मंत्री हैं, ये अपने आंकड़े भी प्रस्तुत करें और बताएं कि 2475 रुपए हमने 2475 करोड़ रुपए केवल और केवल ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आज स्कॉलरशिप के लिए हमारी सरकार ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी आधी पैसा भी नहीं देती थी, आधे छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं देती थी। और इसीलिए आज आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है, उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था, यही उनका आह्वान था। ये समाज विभाजित था, अयोध्या में राम मंदिर अपवित्र हुआ है, ये समाज विभाजित था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मंदिर अपवित्र हुआ, ये समाज विभाजित था, हमारे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हुआ है। जो हमारा ओबीसी समाज सबसे अधिक गौ सेवा करता था, याद करिए, उसी समाज में गौवंश छीन करके उन गौशालाओं, उन्हें गौशाला में नहीं, उसकी गौ सेवा नहीं, बल्कि उसको कसाइयों के हवाले किया जाने लग गया, गौ कसी होने लग गई, गौ हत्याएं होने लग गई, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया। ये सब मौन है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके लिए, ये अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, ये मथुरा पे नहीं बोलेंगे, ये काशी पे नहीं बोलेंगे, ये माफिया राज पे नहीं बोलेंगे, ये लोग दंगों पे नहीं बोलेंगे, ये लोग कावड़ यात्रा पे नहीं बोलेंगे, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं बोलेंगे, ये होली और आपके पर्व और त्योहारों पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे, और इसके लिए इन्होंने सबसे
बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जुड़ना हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ आपको जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी, आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, आधी आबादी बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और ये ताकत हमारी है एकजुटता का, एकता का एहसास। और उस एकता के एहसास के माध्यम से हम अपनी ताकत के माध्यम से, अपने पौरुष और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को साबित करके भारत को एक बार फिर से विकसित भारत की परिकल्पना के लिए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के इन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे। तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी का, प्रभारी श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी का, ओबीसी मोर्चा के अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संगम लाल गुप्ता जी समेत आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक आप लोगों ने लखनऊ में की और विधानसभा सत्र के दौरान पहले ही दिन कर दी, क्योंकि हम लोगों का समय था बिजनेस विधानसभा का 4 बजे के पहले संपन्न हो जाना था। और इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि मैं 4 बजे आ पाऊंगा, क्योंकि विधानसभा में रहूंगा, मैं वहां से सीधे आपके यहां आ जाऊंगा, और उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया। मैं आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग प्रदेश के सभी जनपदों से आए हैं, अपने जनपदों में समाज को जागरूक करने, शासन की योजनाओं को पहुंचाने, समाज से जुड़े हुए तबकों को सही तथ्यों से अवगत कराने, विरोधियों के कारनामों से समाज को अवगत कराने का कार्य भी करेंगे और समाज की एकजुटता के लिए कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल समाज को बल्कि प्रदेश को और देश को लाभ होगा, और आने वाली पीढ़ियां आपके इस कार्य के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।